नमस्ते दोस्तों, मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज किचन में आपको चरौरी का रेसिपी दिखाएंगे। तो चलिए, हम पहले चावल, एक गिलास चावल ले लिए हैं अच्छे से साफ करके। अब इसको हम पानी में भिगोएंगे और इसको 2 दिन के लिए हम फूलने के लिए डालेंगे चावल को। इससे अच्छा सॉफ्ट चरौरी बनता है। तो इस चावल को हम फुला लिए हैं, 2 दिन फुला लिए हैं। इसको बीच बीच में धो 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 देना है, नहीं तो इसमें गंध आ जाता है। गर्मी का मौसम है ना, इसलिए इसको दिन में एक एक बार दो बार धोना है। उसके बाद इसको मिक्सर में पीस देना है। थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे पीस देंगे। तो इसको पीस दिए हैं। ये इसी तरह इसका रखना है घोल को। देखिए, अभी इसमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए, अब हम बनाते हैं, बनाने का बतला देते हैं। तो हमने कढ़ाई में पानी थोड़ा सा ले लिया है, पानी को गर्म होने देते हैं। इस तरह बनाने से चरौरी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मुलायम होता है। मुँह में डालते ही गायब हो जाता है, इतना अच्छा सॉफ्ट बनता है चरौरी। तो इसमें हम डालेंगे चावल का। तो पानी में पहले हम नमक डालेंगे, आगे डालें या पीछे डालें, नमक डालना है पानी में। नहीं तो आप चावल के साथ भी मिला सकते हैं नमक को। तो हम चावल को डाल रहे हैं पानी में, एकदम इसको एकदम पतला घोल करना है, एकदम पानी की तरह इसका घोल रखना है। और इसको कंटिन्यू चलाते ही रहना है, हाथ को रोकना नहीं है, नहीं तो नीचे ही परत में बढ़ जाता है चावल। तो इसे अच्छे से हम पहले चलाएंगे। तो देखिए, इसको एकदम पानी जैसा हम कर दिए हैं। थोड़ा और पानी डालेंगे, नहीं होगा तो। और इसको रेगुलर एकदम हमें कंटिन्यू चलाते ही रहना है कि कढ़ाई में बैठे ना। हाथ को रोकना नहीं है, एकदम कंटिन्यू चलाते रहना है। तो अब गाढ़ा होने लगा, देखिए दोस्तों, अब गाढ़ा हो गया है ये। तो अब इसमें हम डालेंगे मंगरेल और अजवाइन, क्योंकि पहले नहीं डालते हैं, क्योंकि पहले डालने से चावल का काला हो जाता है थोड़ा हल्का, बाद में डालते हैं तो ठीक रहता है। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, अच्छे से इसको चलाते ही रहना है। इतना इसको ऐसे चलाना है कि इसमें गुजटा ना पड़े, अच्छे से एकदम एक बराबर रहे ये सब। चरौरी दाल चावल का टेस्ट ही बढ़ा देता है एकदम से, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत लोग इसे पसंद करते हैं, चावल के चरौरी को। देखिए, हमारा चावल का चरौरी का पेस्ट बन करके तैयार हो गया। इसी तरह इसको उतारना है, बाद में ठंडा हो जाएगा तो और गाढ़ा होगा। तो हमने गैस बंद कर दिया है। देखिए, इसी तरह इसको उतार देना है। अब इसको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। अब चावल का चरौरी ठंडा हो गया, तो इसको हम एक दूसरे बाउल में पलट लिए हैं और इसे हाथ से अच्छे से थोड़ा मिला लेंगे। तो इसको मिला लिए हैं अच्छे से। देखिए, इसी तरह इस काढ़ा रहेगा, काढ़ा रहेगा तो थोड़ा हम पानी डाल करके इसको और अच्छा से मिला लेंगे, इसमें गुजटा ना रहे। से मिला लिए हैं अच्छे से।
तो चलिए हम पार करके आप लोगों को दिखाएंगे इसे कैसे पारा जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है, चाय के साथ खाइए या दाल चावल के साथ खाइए, चाय या ऐसे खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम एक पॉलीथीन को काटेंगे और जलेबी टाइप का चावल का जलेबी बनाएंगे। देखिए इस तरह के काट लिए हैं, ज़्यादा मोटा नहीं काटना है और ना ज़्यादा पतला काटना है, इसको अच्छे से काटना है कि हमारा चावल का चरौरी अच्छे से गिरे। देखिए इसे हम चावल का चरौरी को जलेबी बोलते हैं कि जलेबी टाइप के हमने पार दिया इसे, इस तरह भी पर आ जाएगा। इसको पारना है, इसको बारीकी से एकदम आराम से पारना है, नहीं तो ये सूखने पर टूट जाता है। इसे हम तो चिमकुन प्लास्टिक पर पारे हैं, आप लोग इसे कपड़े पर भी पार सकते हैं। तो देखिए हम इस तरह गोल गोल भी इसे पारते हैं, गोल गोल वाला ज़्यादा टूटने का डर नहीं रहता है, अच्छा से निकल जाता है। जलेबी वाला जो सावधानी से करना पड़ता है, नहीं तो टूट जाता है। देखिए हमने चरौरी पार लिया है, तो हमारा चरौरी सूख गया है अच्छे से। तो अब इसको हम छान करके आप लोगों को बताएंगे कैसा बनता है। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। ये हमारा जलेबी है, हल्का फुल्का टूट गया है ये तो। हमने अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा करके गर्म कर लिया है, तेल को गर्म होने देते हैं, अच्छे से तेल को गर्म होने देंगे। तेल से जब धुआं निकलेगा तब इसे डालना है, तो अच्छा से जरूर छनाता है। देखिए जलेबी को डाल दिए हैं, जलेबी वाला कभी और छान करके दिखाएंगे बाद में। देखिए कितना अच्छा फूल गया है चलेबी, बहुत ही मुलायम बनता है। आप एक बार इसी तरह बना करके ट्राई कीजिए, देखिएगा कितना अच्छा बनता है। हमारा चरौरी बन करके तैयार हो गया। हमारा चरौरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।